नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो सीरीज का चौथा पार्ट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमने साबुन के ऊपर का डाई बनाया है उसके ऊपर हम हंडी लगाएंगे। चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन घंटी दबा दे जिससे कोई भी वीडियो बने आपके पास तुरंत पहुंच सके। देखिए, साबुन के नीचे का जो डाई है उसके ऊपर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो साबुन के ऊपर का डाई है उसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा। तो इसीलिए इस अल्मोनियम से हम उसका हैंडल बनाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, अल्मोनियम को गलाने के लिए हमें हीट ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैंने इस भट्टी के ऊपर यह लोहे का चद्दर लगा दिया है जिससे हीट ज़्यादा बने। अब इसमें हम अल्मोनियम को गलाकर और उस सांचे में ढाल देंगे जो हमने साबुन के ऊपर का डाई बनाया है। अगर आपने इस वीडियो का सीरीज नहीं देखे हैं तो आप वीडियो का सीरीज पूरा देखिए। जैसे यह वीडियो का चौथा पार्ट है, आप पहला, दूसरा, तीसरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और भी इसका जो अगला पार्ट आएगा वो भी आपको देखना होगा, क्योंकि इस सीरीज में मैं आपको घर पर ही साबुन बनाने का डाई बनाने का तरीका बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अल्मोनियम गलने में बहुत ज़्यादा समय लग गया, अब जाकर यह गला है। तो अगर इसे हम कोयले से गलाएंगे तो थोड़ा जल्दी गल जाएगा, या लकड़ी से गला है तो ज़्यादा टाइम लग गया और बहुत ज़्यादा लकड़ी भी लग गया इसे गलाने में। समझ में आ गया, क्योंकि रांगा तो तुरंत गल जाता है कम हीट पर, लेकिन अल्मोनियम को गलाने के लिए बहुत ज़्यादा हीट चाहिए। अब बहुत ही सावधानी से इस सांचे में हमें अल्मोनियम को डाल देना है। देखिए, बहुत ज़्यादा हीट है, इसीलिए ऐसे बहुत ही सावधानी से इस काम को करना है। भट्टी को मैंने बंद कर दिया क्योंकि अल्मोनियम गल चुका है। अब इसे 15 से 20 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख देते हैं जिससे यह ठंडा हो जाए। देखिए कितना मजबूत हंडिल इस पर बन चुका है, क्योंकि इस डाई पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा। इसे साबुन के आकार का भी साबुन को लाना है और साबुन के ऊपर ब्रांड को प्रिंट भी करना है, इसलिए इस पर दबाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसीलिए इस डाई का हंडिल मजबूत होना चाहिए। समझ में आ गया, जो नीचे का डाई है उस पर कम दबाव पड़ेगा, इसीलिए उसका जितना हमने बनाया है उतना बहुत है, लेकिन इसका हैंडल बहुत मजबूत होना चाहिए। अब इसके अगले वीडियो में मैं बनाऊंगा, जैसे यह तो हो गया दो डाई, साबुन के नीचे का और साबुन का ऊपर का। अब इसके अगले वीडियो में बनेगा जिसमें इस डाई को हम सेट करके साबुन बनाएंगे। अगला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी दबा दें जिससे कोई भी वीडियो बने आपके पास तुरंत पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।